हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वायर ईडीएम के बारे में। वायर ईडीएम एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वायर कटिंग। और इस प्रोसेस का प्रयोग कॉम्प्लेक्स 2D और 3D शेप बनाने के लिए करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इसमें इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव जो मटेरियल होते हैं उस पे से हम इलेक्ट्रोड वायर की मदद से मटेरियल को इरोड किया जाता है। उदाहरण के लिए जो कंडक्टिव मटेरियल हैं वो जान लेते हैं, एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम होता है, कंडक्टिव सिरामिक्स, हार्डन स्टील, हाई अलॉय स्टील, टंगस्टन कार्बाइड, इनकोर्नल जो निकल का ये अलॉय है। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल हैं जिन पे हम मटेरियल को इरोड करते हैं एक वायर की मदद से। तो आप देखते हैं इस डायग्राम को, डायग्राम से समझते हैं कि ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है जो वायर ईडीएम की है। इसमें अगर हम देखें, दो वायर स्पूल इसमें लगे हैं, एक ये है और दूसरा ये है। जो पहला वायर स्पूल है इस पर जो फ्रेश वायर है वो इसके ऊपर वाउंड होती है, और जो दूसरा वायर स्पूल है इसके ऊपर जो यूज्ड वायर है काम होने के बाद या मशीनिंग होने के बाद वो इसके ऊपर वाउंड होती है। उसके बाद दो गाइड रोलर इसमें लगे हैं, एक अपर है एक लोअर है, और इन दोनों रोलर्स का काम होता है जो इलेक्ट्रोड है जो वायर है उसको गाइड करना। तो यहाँ पर एक जो मशीन बेड होता है वहाँ पर वर्कपीस को रखा जाता है, और यहाँ पर एक नोजल की मदद से डाइलेक्ट्रिक को इसमें सप्लाई की जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक की सप्लाई के लिए अरेंजमेंट होती है, पंप लगा होता है, फिल्टर होता है, ठीक है, और डी आयोनाइज्ड वाटर को एज ए हम डाइलेक्ट्रिक इसमें फ्लूड के तौर पर इसमें हम यूज़ करते हैं। तो अगर इसमें देखें, जो इलेक्ट्रोड वायर हम यूज़ करते हैं वो कॉपर या ब्रास की बनी हो सकती है, जिसका डायमीटर 0.05 mm से 0.25 mm तक हो सकता है। और इलेक्ट्रोड जो वायर है, जैसे बात की कि दो वायर स्पूल पे वाउंड होती है, एक फ्रेश वायर के लिए होता है और दूसरा यूज्ड वायर के लिए होता है। और जो इलेक्ट्रोड वायर है वर्क पीस में इरोडिंग करते समय 3 mm पर मिनट की स्पीड से ये आगे बढ़ता है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब डायरेक्ट जो करंट है उसकी सप्लाई की जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है जो कैथोड है की तरह कार्य करता है, और जो वर्कपीस होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है जो एनोड की तरह कार्य करता है। तो जैसे ही करंट की सप्लाई की जाती है, जो वायर है वो फ्रेश वायर शुरू होती है गाइड रोलर के थ्रू, और वर्कपीस में जब वो एंटर करती है इसके लिए सबसे पहले एक कर्फ बनाया जाता है। अगर आप यहाँ पर एनलार्ज व्यू देख सकते हैं कि एक कर्फ बनाया जाता है जिसे हम स्लॉट कहते हैं, या कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ कट होता है। तो सबसे पहले उसको बनाया जाता है, उसके बाद जो वायर है जो इलेक्ट्रोड है वो एंटर करता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें, वायर इलेक्ट्रोड और जो वर्कपीस है उसके बीच में एक स्पार्क जनरेट होती है, और जो ये स्पार्क जनरेटर होती है ये हमारी जो मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करती है। और मटेरियल की इरोडिंग के दौरान हम डाइलेक्ट्रिक का प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखें, डाइलेक्ट्रिक आएगा नोजल से एक्सट्रीम की फॉर्म में आएगा, तो जहाँ पर जो मशीनिंग की जाती है वहाँ पर इसकी सप्लाई की जाती है, और यहाँ पर डी आयनाइज्ड वाटर को एज ए डाइलेक्ट्रिक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अपना काम करने के बाद डाइलेक्ट्रिक वापस फिर पंप उसको सक करता है, पंप से फिल्टर में जाता है, फिल्टर से जो इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव करके वापस फिर उसको भेजा जाता है। इस प्रकार से डाइलेक्ट्रिक की सप्लाई की जाती है। और यहाँ मशीनिंग होने के बाद जो इलेक्ट्रोड वायर है इस गाइड रोलर की हेल्प से बाद में उसको इस वायर स्पूल पे उसको वाउंड कर लिया जाता है। तो जैसा कि बताया कि इस प्रोसेस के द्वारा कॉम्प्लेक्स 2D और 3D शेप बनाना संभव हो जाता है। अगर मैं एप्लीकेशन की अगर हम बात करें कि क्या इसमें एप्लीकेशंस रहती हैं, जब हमें सीट मेटल डाइज की मशीनिंग करनी होती है, एक्सट्रूजन डाई की मशीनिंग करनी होती है, या फिर कुछ प्रोटोटाइप पार्ट बनाने होते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। और जो वायर ईडीएम प्रोसेस है ये एक वेरी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम इसमें लीनियर ट्रैवल की बात करें तो लीनियर ट्रैवल में ये तकरीबन 100 mm पर आवर इसकी स्पीड होती है, जो 25 mm थिक स्टील पे स्पीड इसकी जो ऑब्जर्व की गई है कि अगर हमारे पास 25 mm थिक स्टील है वहाँ पर 100 mm पर आवर की इसकी लीनियर ट्रेवल होती है। और जो वायर ईडीएम है ये इसको यूटिलाइज़ करते हैं कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन के द्वारा, क्योंकि अगर आप CNC मूवमेंट देखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट है, जो वर्कपीस है इसकी मूवमेंट की जाती है टेबल पर, जो मशीन बेड होता है वहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस है इसका काम हमने आपको बता दिया कि जो सीट मेटल की डाइज, एक्सट्रूजन डाइज या प्रोटोटाइप के पार्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ,
और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।